खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की खबर केदारनाथ से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं। बाबा केदार की उन्होंने पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके बाद बद्रीनाथ का भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन उससे पहले केदारनाथ में रोपवे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। काफी सारी जो है परियोजना को शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिस प्रकार पहले सीएम धामी पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था, तो कहीं कोई चूक यहां पर सुरक्षा व्यवस्था में नहीं की गई है। 3400 करोड़ की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 3400 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास आधारशिला यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। कुछ नई परियोजनाओं के अभी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसी के साथ आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन पूजन भी करेंगे, दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ में भी कई सारी परियोजनाओं का जो है स्वागत यहां पर देने वाले हैं। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सीमांतमाड़ा गांव में भी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, रज्जू मार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। तो कई सारी स्वागत यहां पर उत्तराखंड को मिलने वाली, उत्तराखंड वासियों को अलग अलग स्वागतें परियोजनाओं की जो है स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। आमजन को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका केदारनाथ और बद्रीनाथ का रहने वाला है। अराइवल प्लाजा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा यहां पर की जाएगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ बद्रीनाथ उनका ये पूरा कार्यक्रम शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले तो उनके शेड्यूल की जानकारी कि क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल केदारनाथ और बद्रीनाथ का रहने वाला है। इसके अलावा क्या कुछ प्रमुख जो परियोजनाएं हैं, क्या कुछ शिलान्यास कार्यक्रम उनका यहाँ पर रहेगा, विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो ये केदारनाथ से उनका लगाव जो काफी समय से रहा, वो ये छठी यात्रा है उनकी यहाँ पर और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है ना, जिसको लेके लगातार जो यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पे लगातार जो है दौरे करते रहे, समीक्षा करते रहे, जो विकास कार्य है उन पर उनकी निगरानी बनती रही है। आज जिस तरीके से अगर बात करें, दीपावली से पहले जो है उनका एक खास दौरा यहाँ पे था। आज जो पहले से प्रस्तावित था वो सुबह यहाँ पे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे स्पेशल विमान से पहुंचे थे, जहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा वो वहाँ पर जो है केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। सुबह उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना करी है और रुद्राभिषेक किया। उसके बाद जो आस्था पथ है उनका, जो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल था उनकी प्रतिमा के, उन्होंने जो है यहाँ पे आस्था पथ का जो है लोकार्पण किया, पूजा अर्चना करी और तमाम जो योजनाएं थी वो वहाँ पर उनको जो है क्रियावन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। और जो सौगात कही जा रही है वो लगभग 3400 करोड़ की सौगात है वो वहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ को मिलने वाली है। और कई जो है रिवर फ्रंट की बात करें, जो योजनाएं थी धरातल को उतारने की, वो वहाँ पर जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और जो किस तरीके से प्रगति हो रही है और जो केदारनाथ पुनर्निर्माण है उससे कितनी प्रगति, तमाम चीजों को लेकर वो अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जी जी शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई सारी सौगातें देने वाले हैं। जिस प्रकार से 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट की यहां पर सौगात देंगे और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि केदारनाथ में रोपवे की जो आधारशिला रखने वाले हैं, तो विकास को लेकर कह सकते हैं कि काफी सारा यहाँ पर तैयार की जा रही योजनाएं परियोजनाएं और हर साल नित नए विकास कार्य हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी भी जो है लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड के विकास को लेकर, कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने में ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।